हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो के कस्टमाइजेशन के बारे में, जो कि हम आप लोग को स्टेटस बार कस्टमाइज करके बताने वाले हैं, जो कि आप लोग का डिफ़ॉल्ट में जो रहता है। कई लोग बोर हो जाते हैं, हम खुद अपनी बताए तो हम भी बहुत दिनों के बोर हो चुके इससे। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं किस टाइप से आप लोग इसे कस्टमाइज करेंगे। तो गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को जो एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को ऊपर जो स्टेटस वाला जो ऑप्शन दिखता है, इसे आप लोग यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ से परमिशन दे रहे, इसी टाइप से आप लोग को भी परमिशन दे देना है। तो हम यहाँ से जो आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कोई स्टेप मिस करे और आप जो है इस स्टेटस बार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग जो है स्टेप से परमिशन दे दीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग के फ़ोन में इस टाइप का ऑप्शन आता है, जैसे कि हम यहाँ पे इस टाइप की परमिशन दे रहे, तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक का मैसेज आ रहा है, तो एक बार आप लोग फ़ोन ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा, आप लोग के फ़ोन में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से आप लोग इस टाइप से परमिशन दे दीजिएगा। अभी तो मैं आप लोग को बता दिया इस टाइप से, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग के फ़ोन में अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आप लोग अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। आप लोग को सिर्फ एक बार फ़ोन को ऑफ करना है और फ़ोन को ऑन करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन बार, सॉरी स्टेटस बार के बारे में, कि कस्टमाइज आप लोग किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आइकॉन्स पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन की बात करें, क्लॉक हो गया, आप लोग को बैटरी आइकॉन हो गया, नेटवर्क आइकॉन हो गया, और डाटा वाला हो गया, वाईफाई आइकॉन हो गया, ब्लूटूथ आइकॉन हो गया। ये सारे आइकॉन्स आप लोग को देखने को मिल, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आप लोग को बता दूं, नेटवर्क आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन में आप लोग को इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप लोग जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। आप लोग इसका साइज़ वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, कहाँ पर लगाना, ये सारी डेट सारा सेटअप आप लोग अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। और वैसे पूरा का पूरा सेटअप आप लोग चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग के साथ बता देता, बट अभी मुझे फ़ोन को ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, और हो सकता है आप लोग के फ़ोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए, बट अभी मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ चुके, क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को बहुत दिनों का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसे डिसेबल करके रखा था, इस टाइप से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस टाइप से आप लोग परमिशन दे दीजिएगा। यानी गाइस, पूरा कस्टमाइज़ आप लोग कर सकते हैं अपने स्टेटस बार को, ओप्पो की डिवाइस या फिर कोई भी डिवाइस को आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी कमेंट करने वाले हम उस वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने जय माता दी।